हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे सर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 डैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 तक के हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 24 क्वेश्चंस थे, तो इसलिए वो एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी हो गई थी। बट आगे के एक्सरसाइज के साथ में ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे इस चैनल पर जितने भी कंटेंट आ रहे हैं, जितनी भी वीडियोस आ रही है, वो पसंद आ रही है, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 डैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है हमसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन भी बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, आगे के क्वेश्चन आप अपने आप भी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज सबकी मेथड्स जो है वो एक ही है, क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े शॉर्ट इसमें भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, शॉर्ट स्टेप्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, -8 -6i दिया हुआ है। ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इज, अब स्टार्टिंग में पहला सेंटेंस तो ऐसे आएगा, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे अंडर रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल टू a+bi, बिकॉज हमें इसका ही स्क्वायर रूट निकालना है। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल्स टू a+bi। ये भी क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, a+bi लिखा हुआ रहेगा या फिर a+i भी लिखा हुआ रहेगा, तो ये दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। सो हमने कंसिडर कर लिया अंडर रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल्स टू a+ib, ऐसा हमने कंसिडर किया है क्योंकि हमें अंडर रूट ऑफ -8 -6i का ही स्क्वायर रूट निकालना है, उसका वैल्यू कितना होगा। सो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, स्क्वायरिंग बोथ साइड LHS RHS दोनों साइड में हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग किए है। सो स्क्वायरिंग किए तो इसका अगर हम लोग ने स्क्वायर किए तो स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा और a+bi का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। सो -8 -6i इज इक्वल्स टू a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b² वही वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर हमने, a+bi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² × i² -8 -6i इज इक्वल्स टू a² + 2abi - b² -b² कैसे आया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर जो आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए तो ये क्या हो गया, -b² हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो हमने क्या किया, जो रियल पार्ट आ रहा है RHS में उसे साथ में लिखे एंड जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है उसे साथ में लिखे। सो -8 -6i इज इक्वल टू a² - b² ये क्या हो गया, हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस 2abi ये क्या हो गया, हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट आए हैं उसे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो a² - b² इज इक्वल्स टू -8 आ रहा है एंड 2ab इज इक्वल्स टू -6 आ रहा है। सो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो ये दो इक्वेशन आई है इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, कहीं से हम लोग b की वैल्यू या फिर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, 2ab इज इक्वल्स टू -6 दिया हुआ है। सो ab इज इक्वल्स टू -6 / 2, 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आए, सो -6 / 2, 2 × 3 = 6 हो जाता है। सो ab इज इक्वल्स टू -3, यहाँ से हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड आउट किए, a इज इक्वल्स टू -3/b लिखे। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू हम लोग ने -3/b लिखे है उसे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है दैट इज a² - b² - 8, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो a की वैल्यू फाइंड आउट किए है दैट इज -3/b, इसे हमने क्या किया है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है -3/b को। सो यहाँ पर a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, -3/b का होल स्क्वायर -b² - 8 एज इट इज। अभी -3² का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, b² आ जाएगा,
माइनस थ्री का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 8, 9। अब ये बी स्क्वायर जो है इससे हमने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, सो 9b² डिवाइडेड बाई b² से b² कैंसिल, b² इंटू b² b^4 हो गया एंड माइनस 8 इंटू b² कितना हो जाएगा, -8b², तो ये क्या आ गया, 9 - b^4 इज इक्वल टू -8b². अब इसे क्या लिखेंगे, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, b² आ गया -8b², ये जो -8b² है उसे एज इट इज लिखे, ये जो -b² है इसे हम क्या किए राइट साइड में लेके आ गए, तो ये क्या हो गया +b² हो गया, और यहाँ पर ये जो +9 था इसे भी हम क्या किए राइट साइड में लेके आ गए, तो ये क्या हो गया -9 हो गया। सो कैसा बन गया, ये b² - 8b² - 9 = 0 हो गया, b^4 -8b² - 9 = 0 हो गया। अब b^4 को हम क्या लिख सकते हैं, b² - 8b² -9 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने b^4 को b² का होल स्क्वायर लिखे। अब यहाँ पर हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो b है इसे हम क्या कर लेंगे, m कंसिडर कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, m² -8m - 9 = 0। अब हमें 9 के ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं जिसका आंसर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, ठीक है। सो 9 × 1 = 9 होता है, सो अगर -9 + 1 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। ये आपने क्लास 10th में लेसन नंबर 2 जो है उसी में ही पढ़ा है कि ये जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इसे फिर फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो -9 दिया हुआ है इसके दो कंपोनेंट्स हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिससे कि हमारा जो आंसर है वो -8 आना चाहिए। सो -9 + 1, सो ये 9 × 1 = 9 कितना होता है, -9 × + 1 कितना हुआ, -9 हुआ, एंड -9 + 1 कितना होता है, -8 होता है। सो ये m² - 9m + m - 9 = 0। अब यहाँ पर क्या किया हमने, इन दोनों में देखे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एंड ये दोनों में देखे, सो m² - 9m में क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, सो m × m - 9 + 1 × m - 9 = 0। अब ये दोनों m - 9 कॉमन हुआ तो इसे एक बार लिखा हमने, सो ये क्या हो गया m - 9 × ये क्या हुआ m + 1 हो गया विच इज इक्वल्स टू 9। अब या तो m - 9 = 0 होगा या फिर m + 1 = 0 होगा, ठीक है। अभी m - 9 = 0 लिखे, -9 को राइट साइड में लेके जाएंगे, +9 हो जाएगा, सो m = +9 आया, एंड m + 1 = 0, सो m = -1 आ रहा है। अब यहाँ पर ऊपर में मैंने बताया था हमने b को क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर b नहीं आएगा, यहाँ पर b² आएगा, b² को हमने m कंसिडर किया है। सो ऊपर में देखो, यहाँ पर बताया था कि b² को हमने क्या कंसिडर किया है, m कंसिडर किया है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b² = 9 आ जाएगा, और b² - 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर b² है, फिर उसके बाद में यहाँ पर b² - 1 है। अब यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर जो a और b आ रहा है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, तो b² की वैल्यू कितनी बता रही है, -1 बता रही है। सो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ, बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो b है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इसलिए जो b² है उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, +9 आएंगी। एस ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देयर फोर b² इज नॉट पॉसिबल, देयर फोर b² इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, सो देयर फोर b² की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। फिर इसका 9 का अगर हम लोग ने स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू +-3 आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू या तो +3 होंगी या तो -3 होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशंस है, अगर b की वैल्यू +3 रहेंगी तो a की वैल्यू कितनी आएंगी, b की वैल्यू अगर +3 है तो a यहाँ पर हमने देखा था a कितना है, -3/b है, सो यहाँ पर और a इज इक्वल्स टू -3 और b की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट किए तो a इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, एंड अगर b की वैल्यू -3 सब्सटीट्यूट किए सो a इज इक्वल्स टू -3/-3 विच इज इक्वल्स टू 1, तो a कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो a का वैल्यू या तो +1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है, और b का वैल्यू कितना आ रहा है, +3 आ रहा है,
ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर हमें फाइनल आंसर लिखना रहेगा कि यहाँ पर जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा, सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो क्या था हमारा, -8 -6 है। इसका अगर स्क्वायर रूट का बात करेंगे तो हमने क्या लिखे थे, इसको ए प्लस बी आई के फॉर्म में लिखा था, कंसिडर कर लिया था। सो ए का वैल्यू कितना है, -1 है। ए का वैल्यू अगर -1 है तब बी का वैल्यू कितना है, +3 है। सो -1 + 3 आई होगा, या तो अंडर रूट ऑफ -8 - 6 आई इज इक्वल्स टू, तो अगर ए का वैल्यू 1 लिखे तो बी का वैल्यू कितना है, -3 है। सो 1 - 3 आई होगा। तो यहाँ पर ऐसे दो आंसर्स मिल रहे हैं हम लोग को, वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग ने स्क्वायर रूट किया तो, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का वो सॉल्व होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पर -8 - 6 जो लिया था उसका हम लोग ने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसलिए इससे पहले क्या कर दिया हम लोग ने, अंडर रूट में डाल दिए, विच अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6 है, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई लिखे। स्टार्टिंग के स्टेप्स जो है वह हर क्वेश्चन में सिमिलर है, बस यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में वही करना है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका स्क्वायर रूट लिखना, कंसिडर कर लेना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। फिर उसके बाद में स्क्वायरिंग वाली स्टेप्स आ जाएंगी, स्क्वायरिंग वाली स्टेप्स सॉल्व करने के बाद में जो भी इक्वेशन आएंगी उसमें क्या करना, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कंपेयर करना। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने के बाद में यहाँ से कोई भी ए या फिर बी की जो वैल्यू है वो ए या फिर बी के टर्म्स में लेके आना, फिर उसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना, देन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। यहाँ पर सेम प्रोसेस आएंगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हमें लास्ट में क्या मिल रही है, 2 स्क्वायर रूट की वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। या ऐसे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आएगा वो पूछा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 7 + 24 आई दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आई इज, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई लिखा। अब यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ के ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ने स्क्वायरिंग कर दिया तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है और ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या हुआ, 7 + 24 i इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई स्क्वायर, 7 + 24 i इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 ab i + b² i² सो 7 + 24 i इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 ab i - b² माइनस बी स्क्वायर कैसे है, यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट किए, -1 सब्सटीट्यूट किए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको साथ में लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखेंगे। सो 7 + 24 i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 24 ab i। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रियल पार्ट को साथ में लिखे और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखे, तो LHS RHS में दोनों पार्ट्स आ गए। फिर उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसे कंपेयर किया। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, 7 = a² - b² एंड 2 ab = 24। अब 2 ab = 24, देयरफॉर ab = 24/2 किए, सो 12 × 2 = 24, 12 आ गया, ab = 12 आया, देयरफॉर b = 12/a। अब b = 12/a को हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 7 = a² माइनस बी का वैल्यू कितना है, 12/a है, उसे हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया। सो 12/a बी स्क्वायर है, सो 12/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 7 = a² माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 a² एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर दिया हुआ है उससे हमने क्या किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया, 7 a² हुआ इज इक्वल टू a² × a² × a² a^4 -144। फिर यहाँ पर ये क्या बन गई, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसे हम लोग ने क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, a^4 -7 a² -144 इज इक्वल्स टू 0। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या किया था कि जो a^4 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a² का पावर² लिख सकते हैं, और फिर फर्दर हमने क्या किया, a² को m कंसिडर कर लिया था। सो ये स्टेप बाकी के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कर रहे हैं, a^4 एज इट इज रहने दे रहे हैं एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है उसे फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये a^4 -7 a² -144 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये जो 144 आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, फिर ये जो 144 आया है इसके हम दो कंपोनेंट्स ऐसे बनाएंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 144 आ रहा है एंड जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके हमें 7 a² मिल रहा है। सो 16 × 9 = 144 होता है। सो -16 × +9 करेंगे तो -144 ये वाला आंसर मिल रहा है हमें, एंड -16 + 9 कर रहे हैं हम तो -7 भी मिल रहा है।
सो ए टू द पावर 4 माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद में ए टू द पावर 4 माइनस 16 ए स्क्वायर, इन दोनों में देखेंगे हम कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। सो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 16 प्लस ये वाले इक्वेशन में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, सो 9 कॉमन आ रहा है, 9 विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 16, ये ए स्क्वायर माइनस 16 और ये ए स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है एंड ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ए स्क्वायर इज, अब ये माइनस 16 राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 16, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आया एंड ए स्क्वायर प्लस 9, प्लस 9 को राइट साइड में लेके जाएंगे ये क्या हो गया माइनस 9 हो गया, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 9 होगा। अब जैसे कि ए और बी जो है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इसलिए इनकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इट इज़ नॉट पॉसिबल एज ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इसलिए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो देयरफॉर ए का वैल्यू निकालेंगे, सो ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 लिखे, अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब ए के भी यहाँ पे ए के वैल्यू के भी दो कंडीशन अराइज हो रहे हैं, या तो ए की वैल्यू प्लस 4 होंगी या तो माइनस 4 होंगी। अगर ए की वैल्यू प्लस 4 हो रही है तो बी की वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ पर देखो बी की वैल्यू के लिए हम लोग ने क्या लिखे थे कि 12 by a, बी इज इक्वल्स टू 12 by a लिखा था, सो ए की वैल्यू अगर हम लोग प्लस 4 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू कितनी आएंगी, इफ ए इज इक्वल्स टू प्लस 4 बी इज इक्वल्स टू 12 by 4, सो 4 3 12, देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू कितना आया 3, ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 3 आएंगी एंड अगर ए की वैल्यू माइनस 4 है तो बी का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था 12 by a था, तो फिर ये क्या आ गया 12 by -4 की है, सो 4 3 12, तो फिर बी की वैल्यू कितनी आई -3 आई। सो अगर ए की वैल्यू -4 है सो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी आएंगी -3 आएंगी, तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था डेट इज़ अंडर रूट ऑफ 24 + 7 है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू 7 + 24 आए, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ रहा है 4 + 3 आ रहा है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डेट इज़ अंडर रूट ऑफ 7 + 24 इसका जो स्क्वायर रूट है वो a प्लस bi के टर्म्स में लिखेंगे, तो a का वैल्यू अगर 4 है तो b का वैल्यू 3 लिखेंगे और a का वैल्यू अगर -4 है तो b का वैल्यू -3 आए, सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 7 + 24 इज इक्वल टू 4 + 3 और अंडर रूट ऑफ 7 + 24 इज इक्वल -4 -3। ठीक है, सो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 था वो सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स यहां पर एक क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 4√3i, ये जो है ये मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दोनों ही सिमिलर है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को सॉल्व करके बता दे रही हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क आप सभी को दे रही हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के बाद में मुझे बताइएगा आप सभी से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बन पाया है या नहीं बन पाया है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आप सभी से सॉल्व नहीं हुआ होगा तो अलग से एक छोटे से वीडियो लेक्चर में ये एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैसा दिया हुआ है, 3 + 2√10i दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे दिया हुआ है, सो दोनों सिमिलरली सॉल्व करना। हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, सो 3 + 2√10i दिया हुआ है तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। सो लेट अंडर रूट ऑफ 3 + 2√10i इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है इसे कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किए, इसका भी स्क्वायर कर लिए, इसका भी स्क्वायर कर लिए, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो ये क्या आ गया 3 + 2√10i विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई का स्क्वायर। अब ए प्लस बी आई के स्क्वायर में वही फॉर्मूला लगा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी आई वाला, सो 3 + 2√10i इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, ये 3 + 2√10i इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कैसे है, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट किए, -1 सब्सटीट्यूट किए हम। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, इन दोनों को हमने क्या किया साथ में लिख दिए, रियल पार्ट को साथ में लिखा, इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा अलग लिखा, सो 3 + 2√10i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एंड 2ab इज इक्वल्स टू 2√10। अब यहाँ पर a और b में से हम कोई भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो ab इज इक्वल्स टू 2√10/2 लिखे, 2 2 कैंसिल हुआ, b इज इक्वल्स टू 2√10/a हुआ,
√10/a में क्या करेंगे, यहाँ पर फिर b का जो वैल्यू आया है √10/a, उसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. सो a स्क्वायर माइनस √10/a का होल स्क्वायर माइनस 3. सो a स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 आया और ये a स्क्वायर नीचे आया. सो −10/a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, इसे न्यूमरेटर में हमने क्या किए, मल्टीप्लाई किया. न्यूमरेटर में हमने क्या किया, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. सो ये क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a टू द पावर 4 −10 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर. अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर है. सो 3a स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, एज इट इज़ नहीं रहने देंगे. यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे. तो ये क्या हो गया, ए टू द पावर 4 −3a² − 10 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर ये जो 10 है उसके हम ऐसे मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे जिसके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, −3 आनी चाहिए. एंड मल्टीप्लीकेशन से कितनी आनी चाहिए, −10 आनी चाहिए. सो 10 के ऐसी कौन सी वैल्यूज है, −5 एंड +2 है. −5 इंटू 2 इज −10 एंड −5 +2 इज −3. सो ये क्या हो गया, a टू द पावर 4 −5a² + 2a² −5a² + 2a² कितना होता है, −3a² −10 इज इक्वल्स टू 0. अब a टू द पावर 4 −5a² इन दोनों में हमारे पास में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है. सो हमने क्या किया, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर −5 +2 इंटू a स्क्वायर −5 इज इक्वल्स टू 0 है. अब यहाँ पर a स्क्वायर −5 कॉमन आ गया तो इसे हमने एक बार लिखा. सो a स्क्वायर −5 इंटू a स्क्वायर +2 इज इक्वल्स टू 0. अभी a स्क्वायर −5 इज इक्वल्स टू 0 होगा या तो a स्क्वायर +2 इज इक्वल्स टू 0 होगा. अब यहाँ पर ये जो −5 है इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया, +5 हो गया हमारे पास में. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 हुआ एंड या तो फिर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू −2. अब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू −2 ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज a जो है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव पॉसिबल तो है ही नहीं. तो इसलिए जो a की वैल्यू है वो क्या आएंगी, प्लस या तो माइनस, प्लस और माइनस √5 आएंगी. ठीक है, a की वैल्यू दो, a की जो वैल्यू है वो दो कंडीशंस में आ रही है, या तो +5 आएंगी या तो −5 आएंगी √ में. सो अगर a की वैल्यू +5 है तो b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. इक्वेशन नंबर 1 में देखा था हमने b की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट किए थे, √10/a किए थे. अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो अगर a की वैल्यू √5 है तो b क्या आएगा, √10/√5 विच इज इक्वल टू √ को कॉमन ले लेंगे, ये 10/5 आ गया विच इज इक्वल्स टू ये 5 × 2 = 10. तो ये क्या हो गया, √2 हो गया. सो देयरफॉर अगर a की वैल्यू कितनी है, √5 है, तो b की वैल्यू कितनी आएंगी, √2 आएंगी. एंड अगर a की वैल्यू कितनी है, −√5 है, सो −√5 एंड b की वैल्यू कितनी है, √10/a. सो माइनस सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू √10 डिवाइडेड बाय −√5 विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन रखा है हमने, माइनस बाहर रखा है, √ को कॉमन में ले लिया है यहाँ पर हमने. सो 10/5 5 × 2 = 10 तो −√2. सो देखो अगर a की वैल्यू कितनी रहेंगी, −√5 रहेंगी, तो b की वैल्यू कितनी आएंगी, −2 आएंगी. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है यहाँ पर, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10 आए इज इक्वल टू √5 + 2 √i और √3 + 2 √10i इज इक्वल्स टू −5 इंटू −2 √, बिकॉज यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है स्टार्टिंग में हमने बताया टू, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है, a + bi के इक्वल है. सो दो कंडीशंस में हमारे पास में a और b की जो वैल्यू आई है उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड देन फाइनल आंसर लिखेंगे. देयरफॉर 3 + 2 √10i का √ इज इक्वल्स टू +5 + 2 √i. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो सॉल्व हुआ. सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है, आप सभी सॉल्व कीजिएगा एंड देन एंड वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है कि नहीं. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये थोड़ा सा अलग है, बट इसकी जो प्रोसेस है सॉल्व करने की वो सेम एज इट इज़ है. यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 2 (1 − 3i). सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 को हम क्या करेंगे, इधर अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे. सो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1 − √3i इज, लेट √2 × 1 − √3i इज इक्वल्स टू a + b आया. फिर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 2 × 1 − 3i a + bi का होल स्क्वायर, 2 × 1 − √3i इज इक्वल्स टू a² + 2ab² + b² टू को यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया. सो 2 × 1 = 2 −2√3i हुआ इज इक्वल टू a² + 2ab² − i² का वैल्यू कितना है,
सॉरी, यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि ये जो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे हम लोग। सो टू माइनस टू रूट थ्री आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आई, यहाँ पर ये इक्वेशन बन गए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू आर आई, ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन वन हो गया, एंड टू ए बी इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट थ्री आर आई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ए या फिर बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। सो यहाँ पर क्या है, टू ए बी इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट थ्री है, सो देयर फोर बी इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट थ्री बाय टू ए, टू टू यहाँ से कैंसिल हो गया। सो बी का वैल्यू कितना है, माइनस रूट थ्री बाय ए, देयर फोर बी इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री बाय ए। इसे हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में। यहाँ पर देखो बी है, बी का वैल्यू हमने कितना डाले, माइनस रूट थ्री बाय ए डाले, बी स्क्वायर आया तो माइनस रूट थ्री बाय ए का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू, सो ए स्क्वायर माइनस थ्री बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना आता है, थ्री, ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर से हमने क्या किया, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। सो ये क्या हो गया, ए टू द पावर फोर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर हो गया, ए टू द पावर फोर। अब ये माइनस ए स्क्वायर को इधर लेफ्ट में लेके आए, अब ये जो टू ए स्क्वायर है इसे हम क्या किए, लेफ्ट में लेके आए, तो ये क्या हो गया, माइनस टू ए स्क्वायर हो गया। सो ए टू द पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, ए टू द पावर फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर। अब देखो हमें क्या चाहिए, माइनस थ्री चाहिए, तो थ्री कैसे मल्टीपल्स निकालेंगे, ये जिसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस थ्री आ रहा और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस टू आ रहा, सो माइनस थ्री प्लस वन, सो थ्री वन जा थ्री भी आ रहा है एंड माइनस थ्री प्लस वन किए तो माइनस टू भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ए टू द पावर फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, सो ए टू द पावर फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। फिर उसके बाद में यहाँ पर ए टू द पावर फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन, यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू जीरो। फिर ए स्क्वायर माइनस थ्री ये दोनों को एक साथ में लिखे एंड देन ए स्क्वायर प्लस वन साथ में लिखे विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब ए स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा या फिर ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा। अब ये माइनस थ्री इसे राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस थ्री हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री आया, या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब ये जो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग कि ए की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या रहेंगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री रहेंगी, ठीक है। तो ए की भी यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है, दो कंडीशंस आ रही है, अगर ए की वैल्यू प्लस अंडर रूट थ्री रहेंगी तो बी की कितनी आएंगी। सो स्टार्टिंग में जब रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया था तब मैंने बताया था कि बी की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट थ्री बाय ए है, जिसे फिर हमने क्या किए थे, इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट किए थे। सो ए की वैल्यू अगर रूट थ्री है तो बी की कितनी आएंगी, माइनस रूट थ्री बाय रूट थ्री करेंगे, सो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। सो ए का वैल्यू अगर थ्री है तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, एंड अगर ए का वैल्यू कितना है, माइनस थ्री है, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस रूट थ्री बाय रूट थ्री इज इक्वल टू वन। सो बी का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। ए का वैल्यू अगर माइनस रूट थ्री है तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, वन आ रहा है। अब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लाइन है वही लिखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई है, तो इसे यही फॉर्मेट में लिखना है। सो अंडर रूट ऑफ टू इंटू वन माइनस रूट थ्री आई इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस आई और माइनस रूट थ्री प्लस आई, बिकॉज एक तरफ अगर ए का वैल्यू रूट थ्री आ रहा है तो बी का वैल्यू माइनस वन है, एंड अगर ए का वैल्यू माइनस रूट थ्री है तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, वन आ रहा है। अंडर रूट ऑफ टू इंटू वन माइनस रूट थ्री आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट थ्री माइनस वन, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा हमने सॉल्व कर लिया है विद सॉल्यूशन क्या हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने एज अ होमवर्क दिया है, वो बिकॉज सेम ही था, सेम क्वेश्चंस सेम स्टेप्स यहाँ पर है, वही सब चीज़ें फॉलो करनी है आपको कि पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है उसे हम लोग ने ए प्लस बी आई के साथ में क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, फिर स्क्वायरिंग कर लिया जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो है वो हट जाए, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए, देन जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज देन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।